मैं सबसे पहले एनएसडीसी टीम को बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं सभी इंडस्ट्री को, जिन 11 इंडस्ट्री ने आज स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में, जिसको हमारी सुझाव है अभी तक शायद वो तिवारी जी हो नहीं पाए, सिद्ध कहना है उसको, स्किल इंडिया डिजिटल हब धीरे धीरे हब बनते जा रहा है। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबने इस हब ने हब में जुड़ने की फैसला किया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब में आज जिन्होंने ज्वाइन किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीम लीज, फ्लिपकार्ट, एक एक का बारे में वर्णन करना यानी एक लंबी विषय होगी सबके बारे में, सबकी अपना अपना सफलता की स्टोरी है। और आपने सभी ने, बाकी उद्योग धीरे धीरे उसको रियलाइज कर रहा है, कई उद्योग हमारे साथ इन दिनों में ज्वाइन भी किया है, एमओयू की फॉर्म पे ज्वाइन किया है, अपने सीएसआर फंड को जो अपने भी काम कर रहे हैं उसको हमारे साथ अनबोर्डिंग किया सिद्ध में, या एनएसडीसी को कुछ रिसोर्स देके क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए आपकी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने का अवसर दिया। लेकिन मैं शायद मेरे को पहली बार जो इमर्जिंग एरिया निकल के आ रही है जिसमें सब आप काम कर रहे हो, सबकी एक कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारे दिशा में आपकी अपनी कॉम्पिटेंसी है। सब लोग धीरे धीरे प्रोसेस की ओर हम बढ़ रहे हैं, मिलके बढ़ रहे हैं, इसमें विन विन पोजीशन दोनों के लिए है। आपको एक बड़ा बैंडविड्थ वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज सिद्ध में मेरे को जैसे बताया गया 5 करोड़ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, इसकी यूजर शायद ये भी 15 लाख उसकी यूजर हो गए हैं, 40 लाख यूजर हो गए हैं। अभी आप ज्वाइन करोगे तो मेरा अपेक्षा है कि ये यूजर जल्दी ही और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जो अच्छे स्किल सेट से जो आपकी कोर्स है उसको आपकी सीमा में लोग जानते हैं। यहां 2 प्रकार के लोग हैं, एक कैटेगरी ऐसा है जो इस क्षेत्र में एक्सक्लूसिवली काम करते हैं, टीम लीज टाइप के संस्था, और कुछ संस्था है जो अपना फिलांथ्रोपिक काम, सीएसआर काम एक एकेडमी फॉर्म पे करते हैं। तीसरा एक कैटेगरी है जिनके मन में है कि भाई हमारी खुद की कोर वर्कफोर्स को और देश की वर्कफोर्स को स्किल बनाना है, उनका उनको रिस्किल करना है, उनको अपस्किल करना है। जिस देश ने इस मूल मंत्र को ठीक से समझा है उस देश अनस्टॉपेबल है, जाम है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।